आज सिक्स फेज की वोटिंग चल रही है और अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं वोटिंग का। और अभी हम गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और अभी हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी और मुद्दे क्या हैं। कुछ युवा हैं जो वोट डाल के आ गए हैं। हाँ जी सर। नाम क्या हुआ आप? मेरा अज्जत नाम है। क्या अज्जत नाम है मेरा? ये वोट डाल मुद्दा क्या, मन में क्या था वोट देते से? मन में मेरा कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था कि अच्छी सरकार आ, देश का विकास हो जाए। और क्या होगा? और क्या क्या था मन में? मन में यार ऐसा कुछ खास तो नहीं था। मेरा वोट इसी साल आया है। हाँ। पहली बार वोट की हो? पहली बार वोट डाला मैंने। हाँ। इस साल ही आया मेरा वोट। 10 साल सांसद रहे, विकास किए? नहीं किया। नहीं किया। आपका नाम क्या? आहत। आहत। वोट डाल के आ गए? अभी जा रहे हैं। आप डालने जा रहे हैं? जब वोट डालिएगा तो क्या मन में क्या रहेगा, मुद्दा क्या होगा? मन में मुद्दा क्या रहेगा मेरा, हमें तो ठगाटक चाहिए, 8,500 और आएगी जी। कांग्रेस आएगी। हाँ। पक्का कांग्रेस आएगी इस बार। हाँ। और कांग्रेस को ही जिता रहे हैं हम भी। हाँ। कैंडिडेट कौन है यहाँ से? यहाँ से वो है हमारे कन्हैया कुमार जी। और आप लोग आप वोट डाल लिए हो और ये लोग डालने वाले? डालने जा रहे हैं जी। और आपको 8,500 रुपये महीना आपने कहा, जो ठगा टक चाहिए हमें, ठगा टक चाहिए 8,500 रुपये में महीना। हाँ। वोट कर लिया? हाँ वोट कर लिया। क्या था मन में मुद्दा, क्या था मन में मुद्दा? बेरोजगारी का, उसका था जो महंगाई का। हाँ। बेरोजगारी और महंगाई, परेशान है पब्लिक, जो है पब्लिक परेशान है। हाँ। 700 सीट पर पार कर देगी अब बीजेपी को। 700 सीट पे चोपड़ा साहब है। हाँ। गोकुलपुरी से कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं। गोकुलपुरी? हाँ संजय कुमार, यहाँ से। कन्हैया कुमार को वोट? नाम क्या आप? ईस्ट दिल्ली से। नाम क्या आप? नरेश कुमार जी। भाई वोट डाल दिए हमने। हाँ। क्या था मन में, क्या था वोट डालते वक्त मन में? हाँ। मन में हमें पता नहीं क्या रहा था हमारे, क्या था वोट डालते वक्त, क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? 10 साल का जो कार्यकाल रहा मनोज तिवारी जी का, सब बढ़िया। शोर था एक नंबर का। हाँ। कुछ काम नहीं करा, सारा पैसा हमारे गोकुलपुरी क्षेत्र का वही खा गया मनोज तिवारी खा गए। वोट डाली भैया? डालने जा रहा हूँ। मन में क्या होगा जब वोट डालेगा, तो मुद्दा क्या होगा? भैया मैं तो फूल पे खिलाऊंगा। फूल पे खिलाइएगा और क्या? वोट डाल दी भाई। क्या था मुद्दा मन में? बीजेपी बीजेपी की वोट डाली है। 101% जीतेगी बीजेपी। 101% वोट डाल लिया भाई हमारा वोटर आईडी कार्ड ना। अच्छा, अब बताऊँ वोट आते ही नहीं हमारी। हाँ। हम क्या करें फिर बताओ? बनवाए क्यों नहीं आप? बनवाना में आते ही नहीं, बनवाना कैसे? तुम वोट डाले आपने? वोट डाल दिया मैंने। क्या था मन में, क्या था मुद्दा? मुद्दा क्या था, हमें तो मोदी को हटाना है भैया यहाँ से। मोदी ने देश का बर्बाद कर दिया। युवा नौजवान, तुम्हारे सामने वीडियो चलो चारों तरफ घुमा लो। दिल्ली में जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, सबसे ज़्यादा हॉट सीट आपकी नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। तो अब मनोज तिवारी ने तो आज तक कोई काम ही नहीं किया इसके लिए लोकसभा, आज तक उसकी शक्ल नहीं किसी ने देखा, समझे? वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा? ठीक है, उनका कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है, ना किसी युवा को उन्होंने नौकरी दिलाया, उनके पास है क्या? कोई मुद्दा नहीं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, बस यही है उनके पास, और कुछ भी नहीं है भाई साहब, विकास नाम की चीज नहीं है उनके पास। वोट डाला आपने? क्या मुद्दा क्या था, किसे वोट दी? तो खैर मैंने मोदी को है। हाँ। मोदी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ। लोगों की नज़र में गलत है। हाँ। कुछ काम बता दीजिए। अब अगर हमारे लिए मजदूरी अच्छी नौकरी देगा। हाँ। तो हमारे लिए वो देवता है। हाँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये चाहे केजरीवाल हो। हाँ। केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहा है, लेडीज के लिए बस फ्री कर रहा है, हर चीज़ काम अच्छा कर रहा है, बिजली पानी से इधर नहीं। हाँ तो लेडीज के लिए तो अच्छा ही कर रहा ना वो, लेडीज की इज्जत कर रहा ना वो। वोट लेकिन मोदी को दिया मैंने। और आप दादी? हम तो मोदी को देंगे। मोदी को दी, वोट दे दिए? दे दिया, मोदी को देंगे हम तो। हाँ। मोदी क्योंकि हमारा राम मंदिर बनाया मोदी ने। हाँ। हमारे इष्ट को लाए। हाँ। अब काशी विश्वनाथ बनाया, अब हम मथुरा बनवाने के लिए हम मोदी को ही देंगे वोट। हाँ, आपकी उम्र भी हो गई मंदिर घूमने की। अंकल वोट डाला है? वोट डाल। क्या था मुद्दा, क्या था मन में? भाई हम तो मजदूर आदमी, मजदूर है ना, तो मोदी खाने को दे रहा, ना केजरीवाल खाने को दे रहा, ना तेरे राहुल खाने को दे रहा, बाकी जिंगे को पब्लिक कूद के होंगे, हमने जाकर अंगूठा लगा दिया। क्या सोच के वोट दिया तुम? भाई हमने ये सोच के दिया, हो सकता है मोदी जैसे योगी यूपी में अच्छे काम कर रहा है, हो सकता मोदी इधर कूद आवे तो
थोड़ा मजदूर भी थोड़ा ऊपर को भर जाए। हमने हमने तो ये सोच के वोट डाली है कमल पे। मोदी जी हर जगह तो हर किसी को किराए पे उनको मकान बना रहे, हर किराएदार के लिए क्यों नहीं कर रहे कुछ मोदी जी? अब तो वोट डाल दिया आपने, वोट डाल दिया। हाँ, जब वोट किए तो मन में मुद्दा क्या था? कुछ नहीं था, मुद्दा था हमारा कुछ था ही नहीं, जिसको देनी थी उसको दे दी। हाँ, कुछ तो होगा ना मुद्दा, कमल वाले को जिताना है। मैं तो हाँ कमल वाले को, अब खुल के आए ना, कमल वाला जीतना चाहिए बस। डाल गया, हमको तो कमल वाले को जिताना है। और भैया वोट डाल लिया? हाँ जी डाल दिया। क्या था मुद्दा, क्या था मन में? जा रहे डालने, जा डालने। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखेंगे क्या होगा। सर इधर आ जाइए। जब वोट डाला तो मन में क्या था, बदलाव या विकास क्या था? विकास भी था, देश मजबूत भी हो, सरहद मजबूत हो, खजाना मजबूत हो, ये सारी चीज़ें देख कर हमने वोट डाला। वोट डाल दिया? हाँ जी, सारी चीज़ें देखी, देश भी मजबूत हो, सरहद भी मजबूत हो, खजाना भी मजबूत हो और मुखिया भी मजबूत हो, यही देख कर हमने वोट डाल दिया। सब कौन करेगा? मोदी सरकार। वोट डाल के आ गए, क्या था मन में, मुद्दा क्या था? तो मुझे मगर मुझे तो चीज़ प्रधानमंत्री को मैंने नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, मोदी को कुछ नहीं पता, मोदी जी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने नहीं पता तो क्या पता उसे। महीना होता 30 का, इंडक्शन से रखा है, जियो का रिचार्ज 28 में आ गया। अच्छा, मोदी जी से इनको बोलने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन इन्होंने कहा कि महीना 30 का चलता है और प्लान टेलीकॉम कंपनी का 28 दिनों का चलता है। और भैया वोट कर लिया आपने? हाँ सर वोट कर लिया है। क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा तो यही था सर कि अपने एरिया में अच्छा नेता लाना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए उसके लिए। अभी 10 साल नेता आपके एरिया में जो सांसद रहे वो अच्छे थे? वो अच्छे हो या ना हो, लेकिन जो हमारे उनके ऊपर पे ये सांसद का है चुनाव तो मानते हैं, लेकिन जो ये जो सांसद को जो चलाते हैं वो है ऊपर उनके हेड, कौन? मोदी जी हो गए या ये कांग्रेस में राहुल जी हो गए, ये सब है। तो इस टाइम हम मोदी जी को या राहुल जी को, इनको दोनों को लाइक करेंगे। तो कौन सा जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो है। अब हमारे को मोदी जी अच्छे लगे, बोलते हैं कि 400 पार, तो इस बार 101% है कि 400 पार आना ही है। वोट डाल के आ गए? डाल लिया। क्या था मुद्दा, क्या था मुद्दा, क्या होना, वोट डालिया है अपना, विकास या बदलाव क्या था? थोड़ा सा लोग समझेंगे कि इस बार जो आपके सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनके काम किए 10 साल में, या मोदी जी के नाम पे, या फिर इंडिया गठबंधन क्या? देखो जी मैन तो मोदी जी के नाम पे चल रहा है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं मनोज तिवारी जी का, उन्हीं के नाम पे पहले भी चलते आए और अभी भी वो उसी पे चल रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? बाकी उनका अपना तो कुछ होता नहीं, बीच में तो कभी झांकते हैं नहीं। इस बार जब वोट डालने गए तो क्या मन में था? नहीं मन में तो इस टाइम कसमाकस थी कि किसको डालें किसको ना डालें, क्योंकि दूसरा कोई कैंडिडेट सामने ढंग का दिख नहीं रहा था, तो इसलिए डाले आए हैं। बाकी ये था कि मनोज तिवारी और इस टाइम मतलब कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं दिख रहा था। और आप क्या बोल रहे थे? वोट डाल के आ गए? हाँ वोट डाली है। मुद्दा क्या था मन में? मन में वोट डाल लेते तो मन में क्या चल रहा था? बदलाव चाहिए और क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, यानी एकदम मतलब कि जो टसल एकदम चल रहा है। हम बता तो रहा हूँ कि मतलब इस टाइम मामला ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे, आसान नहीं रहने वाले किसी के लिए। नहीं आसान तो हो सकता है मोदी जी की वजह से लहर में निकाल जाए, जहाँ दो बार निकाला इस बार भी निकाल जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा ना ऐसा मिलेगा। भाई वोट डालिए आपने? हाँ भाई बिल्कुल डालिए। क्या अन्याय के नाम पे वोट डालिए भाई? अन्याय चाहिए, जैसे जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, काम धाम कुछ नहीं है, इसके लेके वोट डालिए। इसी के लेके वोट डाले? हाँ, यानी कहीं कहीं अगर 4 लोग मिल रहे हैं 5 लोग मिल रहे हैं तो 50-50 लग रहा है कि वोट पड़ी है। वोट डाल लिया आपने? क्या था मन में, बदलाव या विकास? हाँ जी मन में क्या सोच के वोट डाला आपने? कुछ बदलेगा, कुछ बदलेगा, कुछ बदलेगा, मतलब समझिए कि बदलाव, इन्होंने बदलाव को लेकर वोट डाला है। भाई साहब आपने वोट डाल लिया? क्या था मन में? मन में कुछ नहीं, बीजेपी थी बस। बीजेपी थी? और आप भाई? कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस को वोट देते हैं। बदलाव होना चाहिए, एक बार पलटेगी सरकार, पलटेगी सरकार, मन में तो यही है। और यहाँ जो वोटिंग हुई है अब दिन भर तो क्या माहौल चल रहा था? दिन भर ऐसे ही था जी, हमारा तो खाली पड़ा था, इतनी वोटिंग डली 14 नंबर में। अच्छा, हाँ जी। वोट क्यों नहीं डली? डाली नहीं होगी जो मन में नहीं होगी। वोट डाल लिया?
क्या था मन में? मन में बहुत कुछ था जी। हाँ। और बस घर वालों के कारण और कुछ देना पड़ा वोट। मजबूरी थी क्या? मजबूरी तो कुछ नहीं थी, बस देना पड़ा। बोल रहे हो क्या था मुद्दा, कुछ बताइए ताकि देखने वाले दर्शकों को लगे कि माहौल क्या है इस बार नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का। बस कुछ नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है। वोट डाल लिया आपने? हाँ सर। क्या था मन में? सब मन में ये सर बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। हाँ। इसका कुछ सुविधा निकालो। कौन निकालेगा? जो सरकार आएगी अब। अब आएगी? हाँ। अभी है वो नहीं कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। हाँ। तो नहीं कर पाएगी। वोट डाल के आ गए? हाँ, हम तो गिर गए। हाँ, क्या क्या मन में क्या था? कुछ नहीं। हाँ? ऐसे ही डाल दिए? गिर दिया। हाँ? खड़ा करो आप। इन्होंने बताओ क्या था मुद्दा, मन में क्या था, बदलाव या विकास क्या था? नहीं कुछ नहीं। आप बताओ। हमने तो हाथ को गहरा वोट। हाथ को देना वोट बदलाव के लिए? बदलाव के लिए क्यों, अच्छे के लिए गहरा। वो बेचारा केजरीवाल द्वारा जेल में ना जाए इसलिए गहरा। केजरीवाल द्वारा जेल में ना जाए इसलिए वही कह रहा था मैं, जेल में ना जाऊँ। बस हमने हाथ पे कांग्रेस संगे हाथ पे गहरा हमने वोट। अब हाथ जीते ना जीते, चाहे वोट खराब हो सही हो उसकी मर्जी है। और क्या, बस हम कांग्रेस। आप अपना बताओ। ये तो हमने भी ऐसे गहरा है। आपने भी जेल न जाने के लिए वोट डाला है? सबने ऐसी घेरा है। रोजगार बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, मोदी सब कुछ छीन लिया। हाँ। यही सुनते आ रहे हम तो भैया। मोदी ने बहुत अच्छा कर, उनने बहुत अच्छा कर रहा है। केजरीवाल एक के संग दो दो, एक दारू की बोतल संग दो दो बांट दी, घर तावा कर दिए, बाल बच्चे का बैरान कर दिया। और क्या करा केजरीवाल ने। आप केजरीवाल से नाराज हैं? आप लोग नाराज नहीं है? केजरीवाल से नाराज नहीं है, हम केजरीवाल के साथ हैं। हम सही बताएं बात, हम तो नाराज हैं। केजरीवाल के साथ हैं, चाहे वो जीता जीता साथ में उसके, हम नहीं अपना। अच्छा, वोट डाले क्या मन में क्या था? मन में वोट डाल दिया, वोट जिसके डालना। मन में क्या था? मन में बहुत कुछ था, बताएंगे थोड़ी आपको मन में क्या था हमारे। देख जैसे उन लोगों ने बताया ना, वो उन्हें बता दिया, हम नहीं बताते, मर्जी हमारी। तो दर्शक कैसे समझेंगे कौन सांसद बन रहा है? भाई बनेगा तो यही क्यों नहीं बनेगा, और कौन बनेगा, कौन कौन बनेगा? केजरीवाल ही है, वही है केजरीवाल जी के नाम से। हाँ, केजरीवाल बने। वोट डाल लिया है? हाँ भाई डाल दिया। क्या मुद्दा क्या था मन में? वही बेरोजगारी महंगाई। बेरोजगारी महंगाई, इस बार लगता है बदलाव के लिए वोट डाला है। हाँ जी। हाँ जी। नाम क्या है आपका? राम सजीवन। राम? राम सजीवन। राम सजीवन। और राम मंदिर के मुद्दे आप पे हावी नहीं हुए? वहाँ क्या करेंगे जाके, मंदिर तो घर में है। मंदिर तो घर में है। वोट डाला, मुद्दा क्या था मन में? डाल दिया, हमारी मर्जी, हमने डाल दिया वोट। थोड़ा सा बताइएगा तो लोग समझेंगे कि सांसद कौन होने वाले हैं इस बार। देखो किसको करे भाई, हमें तो होना चाहिए कि बदलाव के लिए कि विकास के लिए या जेल ना जाने के लिए, क्या था? अब ये तो हमें नहीं पता भाई, जेल वेल का। अभी दो चाची मिली थी, वो बोल रही थी कि जेल ना जाए, इसलिए वोट डाला है मैंने। केजरीवाल जेल ना जाए? हम लोग तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है अभी ना, जेल नहीं जाना चाहिए बस। क्या मुद्दा क्या था आपके मन में जब वोट डाली तो? हमने तो डाल दिया, कोई मुद्दा नहीं था, हमने तो डाल दिया। हाँ। ऐसे वोट डाल देती है। और आप बताइए भैया। हाँ, मैं तो कर्मचारी में, तो मैं तो वोट ही ना डाली भाई। अच्छा, वोट ही नहीं डाली भैया। आप बताओ अभी वोट डालने जा रहा हूँ भैया। वोट बताओ थोड़ा सा, क्या किसके बारे में मुद्दा क्या रहेगा मन में? मुद्दा एक ही रहेगा, जो सरकार है वही चलनी चाहिए, सरकार वही चलनी चाहिए। हाँ, ऐसी बात होती है ना, समझ में आती है। आप बताइए भैया। नहीं, हमारे तो यही है, मोदी सरकार चलती रहे बस। चलती रहे बस, जिंदगी भर चलती रहे, हमेशा चलती रहे, चुनाव ही ना हो, चुनाव ही ना हो। क्या ये सही नहीं है, ये सरकार सही नहीं है? नहीं, तब उस समय से आप बोल नहीं रही थी जब भैया को देखा आपने, वोट डाला है अंकल? हाँ डाला। क्या मुद्दा था मन में? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को डाला है? हाँ जी। कहाँ से हैं? कहीं से, दिल्ली से। नहीं मतलब पूर्वांचल के रहने वाले हैं कि यहीं से हैं? यूपी के, भोकलपुर के रहने वाले हैं। कन्हैया कुमार ही क्यों? अरे वो बढ़िया आदमी है, नया लड़का है। और आप? हम भी कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार छोटा कैट तो नहीं है वो, ज़्यादातर नेता चोरी होते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसे मनोज तिवारी ने करा, सारा पैसा खा गया भोकलपुर में, कुछ नहीं लगा। चोर चक्कर हल्ला मचा रहा दुनिया भर का। क्या लगता है यहाँ से सांसद बदल पाएगा इस बार? हाँ बदल जाएगा, बदल गया 100%। बदल गया सांसद बन जाएगा। हाँ, 80% 80% 20% कहाँ रह गई? 20% जाएगा हाथी वाले पर। हाथी
फूल वाले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है फूल वाले। मुद्दा क्या था, वोट डाल रही थी तू, मन में क्या चल रहा था? मन में चल रहा है भाई जीत हो जाए। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की। और आप सती सही था? हम भी यही था बीजेपी की जीत हो जाए। बीजेपी की जीत हो जाए। मुद्दा क्या था? मुद्दा राम मंदिर। राम मंदिर। तो अभी हम दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के गोकुलपुरी में थे और अभी यहाँ से हम दिखा रहे थे कि यहाँ के लोग किसे वोट कर रहे थे। और आपने देखा कि जो वोटिंग में हमें लोग मिले वो लगभग 50-50 था कि लोग मनोज तिवारी को भी वोट कर रहे थे मोदी जी के नाम पे, और बदलाव बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे कांग्रेस और कन्हैया कुमार को वोट पड़ा है।